भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कोरोना काल में केवल 4 माह के दौरान रेडी टू ईट टेक होम के माध्यम से जो पोषण और राशन का वितरण हुआ था उसमें 2 अरब से अधिक का घोटाला हुआ, जबकि कोरोना काल में कर्फ्यू के दौरान घर से कोई बाहर नहीं निकला, फिर भी कागजों में फर्जी तरीके से राशन का वितरण बताया गया है। इसके साथ ही बताया कि भिंड जिले में ही करोड़ों रुपए का पोषण आहार में भ्रष्टाचार हुआ, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि भिंड महिला बाल विकास के प्रभारी अधिकारी गफ्फार खान सहित प्रदेश भर में जो भी इस बड़े घोटाले में लिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR कर गिरफ्तारी की जाए। कोरोना काल में रेडी टू ईट और टेक होम के माध्यम से जो पोषण आहार और राशन का वितरण हुआ था पूरे प्रदेश में केवल 4 महीनों में 2 अरब 8 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। और जब कोरोना काल में कर्फ्यू लगा था कोई निकल नहीं सकता, उसके बाद भी फर्जी तरीके से कागजों में पोषण आहार और टेक होम राशन वितरण बताया गया है।